सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ तकनीकी खराबी के कारण रुकावट उत्पन्न हो गई थी। हम ये कैलकुलेशन देख रहे थे, इसमें कुछ मिस्टेक है, इस कैलकुलेशन को हम दोबारा करते हैं, इस सम को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसकी, 41 की 41 के साथ, 41 की 41 के साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, 1 4 और 41 जा 4 और 44 जा 16, ठीक है, तो 1861। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमें 1681 प्राप्त होता है। अब हम तीसरे वाले से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1681 से, मीन्स इस 41 से। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया 1861 इंटू 4, 8 फोर द 32, 3 4 6 जो 24, 3 20, 7 2 4 1 जो 4 और ये 6, मीन्स 1 2 3 4 12, सॉरी 8 और 4 12, 1 6 और 3 9, 8 6। 341 की मल्टीप्लाई करने से हमें 6 8 9 2 1 प्राप्त होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फोर्थ वाला 41 हमें दिया हुआ है, तो 1 2 9 8 6। वैसे ही 4 1 4 4 2 8 और 4 9 36 भी, 4 8 32 और 5 35 3 कैरी गया आपका, 4 6 24 और 3 27, तो 1 6 8 9 17 9 1 10 6 12 8 2, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 1 3 3 6 18 कैरी गया 1, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। इसे देखिए, 3 1 3 3 6 18 3 7 21 और 1 22, तो 8 2 ये 0 था, यहाँ पे आ गया, 2 3 6 और 2 8 20 4, 3 8 20 4, ठीक है, 2 कैरी गया और 3 2 6 और 2 8, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से, तो ये आ गया आपका 3 1 3 3 6 18 3 7 20 1 18 1 sorry 3 6 18 कैरी गया 1, 3 7 21 और 1 22, 2 कैरी गया, 3 5 15 और 2 17 आ गया आपका, कैरी गया 1, 3 2 6 और 1 7 आ गया आपका, 3 8 20 4, 2 कैरी गया और 3 2 6 और 2 8 आपका आप जाते हैं। ये आपका एक्चुअल आएगा डिवाइड करने के बाद, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद, 8 4 7 7 2 8 3। इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 640 से। इसे डिवाइड करना है 640 से। अब हम इसको रखते हैं, आप 640 से डिवाइड करते हैं, तो 8 4 7 7 2 8 3 को हमने डिवाइड किया 640 से। 640 से डिवाइड करते हुए हम देखते हैं कि ये सीधा पहले जाता है इसके 1 पे किया, तो 640 आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 702, 207 बच जाता है,
इसको फिर हमने 7 को उतार लिया। इसको उतारने के बाद देखिए अगर 6 से करेंगे 6 फोर 24, 24 आएगा ज़्यादा जाता है, तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। तो 3 से जब हमने किया 640 तो 3 से तो ये आपका 0, 6 फोर 3 जब 12 और 3 6 18 और 1 19 आ जाता है। तो ये आपका गया किस पे? 3 पे 1920 यहाँ पे आपका 75 और आपने क्या ले लिया 10 10 में से लेंगे 1157 ना करना है। 157 आने के बाद आपने उतार लिया इसको 2 को 2 को उतारने के बाद आपका ये जाता है किस पे 18 ज्यादा होगा तो ये गया आपका 2 पे ही वापस। तो अगर आप इसको 2 से करेंगे तो 640 2 से गया 08 और ये 12 2 पे करने के बाद आपका 1280 आ जाता है। तो 2 और 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 2 गए 9 बचे 2 बच जाता है 292 ठीक है। अब 292 आपका यहाँ पे आ गया इसको यहाँ लिख लेते हो 292 आपने उतारा किसको पहले इसको उतारा 2 का फिर आपने उतारा 8 अभी 292 को अगर किससे डिवाइड कर रहे हैं तो 292 को अगर आप डिवाइड करेंगे 292 को अगर आपने डिवाइड किया है यहाँ से 292 और फिर आपने उतारा इसको 8 आप देखिए 640 से अगर आप इसको करेंगे तो 640 में ये आपका लगता है कितने पे 4 पे कितने पे करता है ये 5 4 पे देखिए 640 × 5 तो 0 5 4 = 20 5 6 = 30 और 4 34 ज्यादा आता है। तो आपने इसको क्या किया किया किस पे 3 पे 4 पे किस पे किया 4 पे तो 4 पे करने पे आपका आया 640 को जब आपने 4 से किया तो 0 6 4 = 16 और 4 24 = 25 ये आपका गया किस पे 4 पे। तो आपका यहाँ पे आ गया कितना 2560 8 12 में से 6 दे 6 8 में से 5 दे 368 आपका आ जाता 368 आपका आ जाता है। 8 को आपने उतार लिया था फिर आपने उतारा किसको 3 को 3 को आपने उतारा 3 को उतारने के बाद देखिए अगर आप इसको 640 को 6636 की सीरीज में लेके चलेंगे तो 6 के हिसाब से लेके चलें सर कि तो ये आपका यहाँ पे 3683 आ जाता है। अब मैं आपको बता रहा था अगर हम इसको 6 से करते हैं तो 0 6 4 24 और 2 और 6 6 36 और 38 ये ज़्यादा आता है। तो हम इसको करते हैं किससे 640 को किससे 5 से 5 से जब हमने किया तो 0 4 20 2 और 5 4 20 अरे 5 0 5 4 22 करेंगे 5 6 30 और 2 32 ये आपका कितने पे जाता है 5 पे यहाँ पे आपका 3200 आ जाता है। 3200 आने पे यहाँ पे 8 और ये आपका 4 483 आ जाता है। फिर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया जिसके कारण आपको यहाँ पे 0 आ जाता है। 4830 आने के बाद आप इसे डिवाइड कर सकते हो किस पे 7 पे 7 पे 7 पे जब आपने इसको किया 7 पे करने के बाद 640 को जब आपने 7 से किया तो 0 7 6 28 2 7 6 42 और 2 44 4483 आपका आ जाता 4480 सॉरी यहां पे आप 0 और 13 में से 8 गए 5 7 में से 4 गए 3 तो 350 आप यहाँ पे शो कर सकते हो। फिर आप एक 0 लगा सकते हो तो यहाँ पे 3 50 बच गया एक 0 लगा लिया फिर ये आपका जाएगा इस पे
फाइव पर पर, तो फाइव पे 640 तो फाइव से जब आप करोगे तो आपका 020 सिक्स फाइव 30 और टू 30 तो ये आपका 3200 का जो है तीन हंड्रेड रिमाइंडर आपका बच जाता है। तो राउंड फिगर में आपका यहाँ पे मूलधन जो है वो आपका ए जो है 1,2,4,5.75 आ जाता है, ये हमारा मूलधन हो जाता है। अब मूलधन में से हम हमारा ब्याज निकालेंगे छह तिमाही का, तो तिमाही का ब्याज, तिमाही का ब्याज, तो तिमाही का ब्याज क्या हो जाएगा आपका 1,3,2,4,5.75 माइनस, वहां पे देखिए कितना था आपका 12,000 था ना, 12,000 आपने यहाँ से इसमें से लेस कर दिया। जब आप इसको लेस करेंगे तो 12,1,3,2,5,4.75 में से आपको 12,000 लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे 5,7.5421,1,2,4,5 0.75 तो ये आपका आ जाएगा 1,2,4,5.75 ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ब्याज, तिमाही का ब्याज, तिमाही का ब्याज निकालने के बाद हमें अंतर निकालना पड़ेगा छह महीने के ब्याज और तिमाही के ब्याज में। तो छह महीने का जो ब्याज था उसका हमारा अंतर निकला था कितना 1230 रुपए का, ध्यान दीजिए इसका छह महीने का निकला है 1245.75 पैसे माइनस में, जो पहले वाला था छह महीने का हमारा निकला था 1230 रुपए का, तो 1245 1245.75 में से जब आप घटाओगे 1230 को तो आपका जो आंसर है वो 5 और 1, जो 15.75 जो है वो डिफरेंस आपका आ जाता है। 15.75 जो भी जो है वो डिफरेंस होगा कितना तिमाही और छह माही के ब्याज के अंदर। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप बता सकते हो कि पहले मूलधन निकालने के बाद जो छह महीने का मूलधन है और जो हमारा तीन महीने का मूलधन है उसमें से फिर हम प्रिंसिपल को घटा के ब्याज वसूल कर सकते हैं, और जो ब्याज आए दोनों ब्याज में से जो बड़े वाला है उसमें से छोटे को घटाएं तो हमारा दोनों ब्याजों का अंतर निकल आता है, जैसे कि 15 रुपए से निकला है 7 पैसे निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, यदि इसी दर से यह 16 गुना इसी दर से यह
16 गुना कितने वर्षों में होगा? ठीक है, ऑप्शन आपके 12 सेकेंड, 16 थर्ड, 24 या 30। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोई धन है मालूम है क्या है, चार वर्षों में निश्चित दर पे दुगना हो जाता है, तो 16 गुना बढ़ने के लिए उसे कितने वर्षों का समय लगेगा? ऑप्शन है आपके 12, 16, 24 या 30। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। कोई धन, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कोई धन चार वर्षों में दुगना होता है, चार वर्षों में दुगना होता है। ठीक है, अब हम 16 वर्ष के हिसाब से लेके चले, देख लेते हैं, यानी 16 वर्षों का दे रखा है, मींस 2 गुना में 2 की पावर 4 गुना होने में समय लगेगा कितना, 4 इंटू 4 मींस 16 वर्ष। तो जो धन है उसको 16 गुना बनने में कितना समय लगेगा, 16 वर्षों का समय लग जाएगा। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन ₹3,840 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन ₹4,096 है, तो ब्याज दर क्या है, मींस हमें इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी धन पे चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों का मिश्र धन कितना बनता है, ₹3,840 और 3 वर्षों का बन रहा है ₹4,096। तो हमें ये बताना है कि इस पे ब्याज की दर कितनी हुई, रेट आपको निकालना है। ऑप्शन है आपके 7 सही 1/2% मींस 7 × 14 = 15 या फिर आपका 8 × 1/3% मींस 8 × 24 = 25% या 6 × 2/3% मीन 6×18 = 20 या चौथा 6×24 = 25 25/4%। तो ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज, सबसे पहले तो हम बात करें किसकी, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पर
वर्ष का मिश्र धन, दो वर्ष का मिश्र धन हमें दे रखा है या कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, मिश्र धन कितना एक्स की एक्स मान लिया हमने, एक्स वन ठीक है, कितना है 3840 रुपए ठीक है। अब इसी स्थिति में तीन वर्ष के लिए हमें दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज, तीन वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर तीन वर्ष का मिश्र धन, तीन वर्ष का मिश्र धन, तीन वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा है, इसको हम x2 के हिसाब से शो कर देते हैं, जो कि हमें दे रखा है 4096 या 4096 ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी, चक्रवर्ती ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसे निकालेंगे हम, x1 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 ओवर में x की 2 ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे, 100 से। तो इस फॉर्मूले का रख करते हुए आप चलोगे तो x2 आपको दे रखा है कितना 4096 माइनस में कितना 3840 ओवर में x की 2, तो 2 कितना है आपका 4096 इंटू में कितना भी 100 ठीक है। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 4096 में आपका लेस करेंगे 0438 तो 65 और यहाँ से कह दीजिए 10 10 0 256 तो 256 इंटू 100 ओवर में 4096 आता है ठीक है। अब हम इसको लेस करेंगे, घटाएंगे कैंसिल कर सकते हैं, घटा तो हमने लिया ही है तो 4096 इसको कैंसिल कर सकते हो आप 2 से, जैसे हमने 2 से किया 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 से किया 0 2 4 8 2 4 8 2 8 16 फिर आपने इसको कैंसिल किया किस से, आई थिंक आप एक काम कीजिए इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये आपका 4 2 8 वैसे ही करोगे 4 5 20 4 1 4 4 2 8 512 आप जाता है आगे 4 से ही कीजिए इसको 4 से ही करेंगे आप तो यहाँ पे आपका 4 8 32 और 4 से करोगे 4 1 4 बचा आपका, अरे यार 512 है इसको 4 से कर देंगे 4 1 4 1 बच गया 11 4 2 8 कितना होता है 3 2 4 8 32 कितना आएगा 1 2 8 1 2 8। अब ये 1 2 8 जो आया है इसको ही हम 8 से नहीं 4 से ही दोबारा करते हैं, तो 4 से जब आप करोगे 4 3 12 और 4 2 8 राइट 32 और यहाँ पे आ गया आपका 2। अब आप इसको 6 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 16 और यहाँ पे आएगा आपका कितना 2 हो गया। और इसको छोटा बनाना चाहें तो हम और भी कैंसिल कर सकते हैं, कैसे 16 को करोगे तो 8 आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 50 फिर आप इसको करोगे 25 आएगा और ये आएगा आपका 4। अब कैंसिल नहीं होता तो आपका सॉल्यूशन निकला सिंपल में 25 ओवर 4 और आप इसको मिक्स्ड में लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कि 4 6 24 और 24 और 1 25% आपका निकल आता है, मींस आपको जो डी वाला पार्ट है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हमने इस पीरियड में डिस्कस किए हैं, जो रुकावट आपके क्वेश्चंस में उत्पन्न हुई है आप उसको अनदेखा करेंगे, भविष्य में अच्छी तैयारी करेंगे और चक्रवर्ती ब्याज के और मिश्र धन के कंपाउंड इंटरेस्ट के हम और क्वेश्चंस को डिटेल करेंगे।
स्पीड और टाइम के भी क्वेश्चन हम डिटेल करेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड टाइम पे हम कवर कर चुके हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी प्रश्न लेके। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।